Good morning, students. Yes, we have completed the lesson addition. Yes, now we are to the next lesson, subtraction. Addition means what? Adding two or more things together. Yes, adding two or more things together. Now, subtraction means taking away the things. Taking away the things. Yes, addition मतलब जोड़ना and subtraction means minus करना. मतलब आपके पास कोई भी चीज हो उसमें से आपसे कोई ले लेगा, that is called subtraction in simple language. Yes, now addition या subtraction ये जानने के लिए आपको sign देखना पड़ता है. Yes, which is the sign given to you. Students, be thorough with this signs. अगर आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको साइन नंबर ये देखना जरूरी है. फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू लुक एट द नंबर्स, देन यू हैव टू लुक एट द साइन. दिस इज द साइन ऑफ एडिशन. यस, जोड़ना. टू ऐड वन और टू थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड एडिशन. एंड टू टेक अवे द थिंग्स इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. मतलब दो या तीन चीजों को जोड़ रहे हो, दैट इज एडिशन. और आपके पास जो चीज है वो कोई और लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. ओके, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. आपके पास फाइव चॉकलेट्स हैं. यस, फाइव चॉकलेट्स में से वन टू चॉकलेट्स आपके भाई ने आपसे ले लिए. यस, ले ली, टेक अवे. वंस अगेन आई विल शो यू. आपके पास फाइव चॉकलेट्स है, उसमें से दो चॉकलेट आपके भाई ने आपसे ले ली. तो आपके पास कितने चॉकलेट्स बचे? वन टू थ्री. यस स्टूडेंट्स, आपके पास कितने चॉकलेट बचे? थ्री. सेम वे वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग्स. सब्ट्रैक्शन मीन्स टू टेक अवे, मतलब ले लेना. माइनस साइन, ये साइन देखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट. जब भी आप कुछ सॉल्व करते हो प्लीज लुक एट द साइन. नाउ हियर आई हैव गिवन यू द एग्जांपल. यस, काउंट दिस एप्पल्स. वन टू थ्री फोर फाइव. फाइव एप्पल्स आर देयर. नाउ वन एप्पल, this one apple is taken by your sister. ये पांच एप्पल में से एक एप्पल आपकी बहन ने ले लिया. तो आपके पास कितने एप्पल्स बचे? वन टू थ्री फोर. यस स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. और एक बात याद रखना स्टूडेंट्स कि सब्ट्रैक्शन, जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके नंबर में से जो आंसर आएगा वो नंबर से स्मॉल होगा. ये नंबर से बड़ा ये नंबर कभी नहीं होता. यस, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. यस, यू आर हैविंग सेवन बॉल्स. काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. सेवन बॉल्स है आपके पास. सेवन बॉल्स है, उसमें से फाइव बॉल्स आपके भाई ने ले लिए. कितने बॉल्स आपके भाई ने ले लिए? फाइव बॉल्स. आपके पास कितने बॉल्स थे? सेवन. तो सेवन में से फाइव बॉल्स आपके भाई ने ले लिए. वन टू थ्री फोर फाइव. ये सेवन बॉल्स है, उसमें से फाइव बॉल्स आपके भाई ने ले लिए. कितने बचे? वन टू. कितने बचे? वन टू. यह इज द आंसर. समझ में आया? और आप जब माइनस करते हो ये नंबर में से जो आंसर आएगा वो स्मॉल होता है. इट इज स्मॉलर देन द गिवन नंबर. यस, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है. सेम वे वी विल डू द सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हमें सब्ट्रैक्शन सीखना है. नाउ सी दिस नंबर लाइन. यू कैन सी दिस नंबर लाइन. आपको नंबर लाइन दिखाई दे रही है? यस. विच इज दिस नंबर? फाइव.
So the kangaroo jumps to number 5. Yes. हम लोग एडिशन करते समय कौन सी साइड जाते थे? राइट साइड जाते थे, बट सब्ट्रैक्शन करते समय हमें लेफ्ट साइड आना है, मतलब वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द बैकवर्ड साइड. यस, एडिशन करते समय हम आगे चले जाते थे, यस, बट सब्ट्रैक्शन करते समय हमें पीछे आना है, बैकवर्ड साइड आना है. समझ में आया? एडिशन करते समय हम राइट साइड जाते थे, सब्ट्रैक्शन करते समय हमें लेफ्ट साइड जाना है. यस, व्हाइल डूइंग सब्ट्रैक्शन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द बैकवर्ड साइड. यस, 5, हियर इट इज 5 माइनस 4, सो वी विल मूव टू द नंबर्स 1 2 3 4. वेयर वी हैव स्टॉप? वी हैव स्टॉप ऑन नंबर 1. So that will be our answer. Got it, students? हमने क्या किया? हमने number 5 पे jump किया. उसके बाद हमें 4 minus 4 करना है. तो हम पीछे side जाके 4 numbers ये करेंगे. 1, 2, 3, 4. The number जिस number पे हम पहुंच रहे हैं, वो हमारा answer रहेगा. Okay? Next. One more example I will give to you. This is number 6. The kangaroo jumps to number 6. This way you have to jump to 6. Now, minus. Minus bola to hume piche ki taraf aana hai. To the left side. So, 6 minus 3. So, 1, 2, 3. To hum kaun se number pe pahunche? 3. Hum kahan pe aake ruke hain? 3. So it is your answer. In the same way, you have to solve the examples. पहले समझ के लेना है, then you have to solve the exercise. You have to solve the exercise in your textbook. आपकी textbook में exercise दी गई है subtraction की, जो आपको solve करनी है. Exercise number 1, 2, and 3. ये आपको आपकी textbook में सॉल्व करनी है. और अगर कोई डाउट है तो आप टीचर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.